फ्रेंड्स आर्यकिनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी मैं एक जगह के लिए निकल गया हूं और वो कौन सी जगह टाइटल और थंबनेल देख के आपको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों मैं राउरकेला से खूंटी जा रहा हूं और खूंटी कुछ काम है तो ब्लॉग में बने रहेगा, मैं आपको दिखाऊँगा। और हम NH से नहीं जा रहे हैं, उसके शॉर्टकट वाली जो रास्ता है उसी रास्ता को हम लोग पकड़ेंगे, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जितना हो पाएगा। आप वीडियो में बने रहेगा, काफ़ी जंगल वाली रास्ता, काफ़ी बढ़िया बढ़िया सीन मिलने वाली है, लेकिन कुछ कुछ इलाका डेंजर भी होती है। चलो राखे राना। हाँ बोलेगा हाँ पहुँचना तो। ओ इनके पास कौन सा गाड़ी है? ये वाला गाड़ी है। कुलदीप पास्टर एंडोवर लाया था एक बार। क्या जब देख रहा था दोस्तों, ये देख लीजिए अभी जा रहे हैं किस तरह खतरनाक रास्ते में। दोस्तों अभी ये जंगल के बीच में रास्ता है और हम जा रहे हैं खूंटी, और ये देखिए कोई ये NH अलग है दोस्तों, लेकिन हम लोग अंदर से शॉर्टकट वाली ये रास्ता इसमें हम लोग जा रहे हैं। पर अभी दिन के टाइम में, अभी दिन के टाइम में इसलिए अभी इस रोड में जा रहे हैं, और नाइट के वक्त आप इस रोड में मत आइएगा क्योंकि आप देख रहे हैं जंगल है, तो आप NH को ही प्रेफर कीजिएगा। और ये थोड़ी दूरी में NH है, यहाँ पे लिखा हुआ है रांची 181, खूंटी 89, यहाँ कोलाबीरा 59, मनोहरपुर 26। ये इस साइड गया है दोस्तों मनोहरपुर, और हमें जाना है इस साइड में रांची और खूंटी वाली रोड में। तो ये NH पहुँच गया, लेकिन थोड़ा दूर वहाँ पे मतलब जंगल वाली रास्ता था। डे में आ रहे हो, दिन में आ रहे हो तो आप उस रास्ता से आ सकते हो। रास्ता कुछ जगह पे ख़राब है, कुछ जगह पे सही है। ये टाटा म्यूजिक नामा का नाल है, टाटा इस हाँ डाला वाला। हाँ हाँ मैं तो 70,000 को मेनता ना मेंदा एना नेल ले या माने कागज पत्र चिपके बिना। रात में तो मेरे नींद ही नहीं आ रहा था, 12 बजे तक सब घर मैं भी पूरा ऐसा कर रहा हूं। तो हम लोग का अपना पुराना महिमान लोग है इधर। हाँ हाँ गाड़ी देंगे हवाई जहाज है वो वाला है आने हवाई जहाज ना लम ओहो ए हने जहाज ना लम आना चप्पल हवाई जहाज बनाया है। दोस्तों अभी हम हटिंग होड़े में पहुंचे हैं और यहाँ पे देख लीजिएगा एक स्कूल है, फ्रांसिस सेंट फ्रांसिस स्कूल, काफ़ी बढ़िया लग रही है तो इसको हम थोड़ा सा वीडियो ले रहे हैं। और इसके बगल में देखिए डिजाइन कुछ इस तरह से है दोस्तों, काफ़ी मस्त लग रहा है। तो दोस्तों आपको देख लीजिएगा इस साइड में ये क्या है, शायद चर्च है कि क्या इसकी स्कूल कही है, वो तो पता नहीं है, लेकिन आप देखिए कितना बढ़िया है। मतलब हम इतने जंगल के अंदर होते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बढ़िया वाली स्कूल है, यानी कि इस आसपास एरिया में कुछ बस्ती होगी और यहाँ पे आते होंगे स्कूल या तो हॉस्टल भी होगी। और उसे तो वही समझ यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस साइड में जाओगे तो रांची, और हम लोग ये वाली रोड को पकड़ ली है, ये खूंटी जाएगी और रांची वाला ही है, ये शॉर्टकट है, कोलेबीरा होकर घूमना पड़ेगा। ओह फ्रेंड्स ये भी रांची जाती है, ये भी रोड रांची जाती है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्टकट रोड है और वो जो आपको दिखाया वो थोड़ा घूमना पड़ेगा। और यहाँ पे नदी देखिए, आप जैसे ही उस रोड को छोड़ोगे, NH को छोड़ दोगे तो इस राइट साइड आना है, और राइट साइड में आपको ये वाली ब्रिज मिलेगी, यहाँ पे नदी ज़्यादा
सोदे सोदे। और ये जगह का नाम है सोदे। दोस्तों रांची यहाँ से देखे खूंटी है 76 किलोमीटर और रानिया 15 किलोमीटर, उसके बाद जमशेदपुर 213 किलोमीटर और रांची यहाँ से 104 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। सोडे। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे ये सोडे और फ्रेंड्स ये सोडे का मतलब मार्केट प्लेस है, तो यहीं पे अगल बगल में ही शायद दुकानों का, यहाँ पे सीसी सेंटर दिख रही है, उसके बाद साइड साइड में अपना अपना मतलब घर है, बस्ती टाइप है, तो इसको क्रॉस करके आगे जाना है। दोस्तों अगर आप रामकला से रांची आ रहे हो ये शॉर्टकट रास्ता से, तो करीबन 160 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप सिमडेगा होते हुए आओगे, NH में आओगे, तो दोस्तों उसमें लगभग दोस्तों 187 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आप उस NH में ही आइएगा क्योंकि ये वाली जंगल वाली रास्ता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये इस साइड से रास्ता था, मतलब ऊपर से ये घाटी था, लेकिन दोस्तों इसको काट के अभी बना दिया गया है। और ये देख लीजिएगा ये रास्ता था, वो पूरा इस तरह से ऊपर चढ़ के मतलब उस साइड में उतरते थे और लेकिन अभी जो है इसको काट के इस तरह से बना दिया गया है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे अकेले तो नहीं आना चाहिए, मतलब अपने दोस्त यारों के साथ ही इस रास्ता में क्रॉस करना चाहिए अगर आप अनजान हैं तो, और अगर कोई जानकारी है, जिनको जानकारी है तो इस रास्ते से आ सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ सब कुछ कैसा रास्ता है, तो आप अगर रांची के लिए आना चाहते हो राउरकेला से तो आप पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा। और आपको अगर अच्छा लगता है कि इस रास्ते में जाने के लिए आपको अगर इच्छा होती है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रास्ता कुछ इस तरह से जंगल रास्ता मिलेगी और कुछ कुछ जगह पर इस तरह से मिलेगी। तो आप अगर कोई कारवार में आ रहे हैं तो आप आ सकते हो यहाँ से खूंटी 63 किलोमीटर। घर को देखिए ये बांस का बना हुआ है और काफ़ी खूबसूरत ये लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसको अगर मेंटेन किया जाए तो इससे भी और काफ़ी खूबसूरत लगने वाली है, पर अभी इसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। पर आपको इस तरह से मिलेगी जैसा कुछ कुछ जगहों पे मतलब टूरिस्ट प्लेस में ऐसा बनाया जाता है। और इस एरिया का बाउंड्री देखिए, ये गांव इलाका में इस तरह से बाउंड्री बनाया जाता है, लेकिन शहरों में तो दोस्तों आप जानते हैं बाउंड्री किस तरह से बनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए ये बाउंड्री, और इस साइड पूरा जंगल है दोस्तों, बड़ी बड़ी पेड़ है यहाँ पे, अब देख पा रहे हो ये पेड़ कितना भयानक जंगल है, और उसके बीच में ये रास्ता है, जो रास्ता ये काफ़ी बढ़िया रास्ता है जब से NH इसको पकड़े हैं। बीच बीच में थोड़ा बहुत ये है लेकिन काफ़ी बढ़िया है अभी, लेकिन खूंटी तक कैसा मिल रहा है वो मैं आपको बताते जाऊँगा। दोस्तों यहाँ पे ये जो मर्चा है, और यहाँ से दोस्तों खूंटी 38 किलोमीटर, उसके बाद गुमला 66 किलोमीटर, जमशेदपुर 177, उसके बाद रांची 68 किलोमीटर यहाँ से। और इस साइड गया है दोस्तों ये राउरकेला, ये वाली जो रोड है ये इस साइड राउरकेला गया और ये साइड खूंटी जाएगी। फ्रेंड्स अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ ये इससे आगे दोस्तों तोरपा है, और तोरपा यहाँ से करीबन 2-3 किलोमीटर आगे है, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए होल्ड किए हैं, उसके बाद फ्रेश होके फिर यहाँ से निकलेंगे और वहाँ पहुँचेंगे तो आपको फिर बताऊँगा, तो वीडियो में कंटिन्यू देखते रहिएगा। फाइनली फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं वो जगह जिस जगह पे हम आए हुए हैं,
और यहाँ से रांची कुछ ही किलोमीटर है और ज़्यादा दूर है नहीं रांची। तो फ्रेंड्स से यहाँ पे कुछ काम है, उसके बाद फिर जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे देखिए इस साइड में ये पार्क बन रही है, तो ये कौन सी पार्क क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो लोकल है वो बताएं कि ये पार्क बन रही है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पेंट करते, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बड़े से रहिए, ओके बाय बाय।